कॉफी विद करण के अब तक कई सीजन आ चुके हैं। हर बार करण अपने शो में बड़े बड़े स्टार्स को इनवाइट करते हैं, जो शो में कई खुलासों से सुर्खियों में भी बने रहते हैं। कॉफी विद करण में जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं उनसे रैपिड फायर राउंड में कुछ मसालेदार सवाल पूछे जाते हैं। उस राउंड में जो भी जीतता है उसे एक कॉफी हैम्पर दिया जाता है। लेकिन भाई, क्या आप जानते हैं कि आखिर इस हैम्पर में क्या कुछ होता है? क्या कॉफी हैम्पर में असल में कॉफी होती है या कुछ और होता है? तो अब इस राज से खुद शो के होस्ट करण जौहर ने ही पर्दा उठा दिया। जी हाँ, करण जौहर ने एक वीडियो में अपने कॉफी हैम्पर बॉक्स को अनबॉक्स किया और दिखाया कि उसमें क्या कुछ चीजें छुपी होती हैं। कॉफी हैम्पर में जो चीजें होती हैं उनके बारे में आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कॉफी विद करण 7 का वीडियो शेयर किया। वीडियो में करण जौहर दिखा रहे हैं कि उनके कॉफी हैम्पर में क्या कुछ होता है। इसमें उनके ब्रांड यानी कि ज्वेलरी के अलावा मार्शल एक्शन के स्पीकर्स, ऑडियो एस्प्रेसो मोबाइल, अमेजोन इको शो टैन, वदम टी एंड टी मेकर सेट, नोहेवास चॉकलेट्स कलेक्शन, डिस्कवर बॉक्स, बॉम्बे स्वीट शॉप, खोया स्वीट, 28 बेकर स्ट्रीट, कॉफी विद करण मग जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस कॉफी हैम्पर में कुछ और गुडीज भी हैं, जिन्हें करण जौहर ने दिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक मोबाइल फोन, परफ्यूम की बोतलें और शैंपेन की एक बोतल भी होती है। वो करण जौहर ने 2000 में कॉफी विद करण लॉन्च किया था। अब तक इस शो के 7 सीजन आ चुके हैं, जिसे जनता के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलती है। लेकिन अब जाकर ये राज खुला है कि आखिर सेलेब्स को मिलने वाले इन हैम्पर्स में क्या कुछ चीजें छिपी रहती हैं।